अब दुनिया में मेरे ख्याल पहला वो एक ही मुल्क है जिसमें इंडस्ट्री की जो प्रायोरिटी है वो नंबर टू पे, नंबर वन पे डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में आप कतर चले जाए, आप दुबई चले जाए, आप अबू धाबी चले जाए, पाइपलाइन गैस कहीं भी नहीं है, सारी सिलेंडर्स की गैस है। अगर ये हम इंडस्ट्री को प्रायोरिटी नंबर वन करें, हमारी कॉस्टिंग को हम देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए इसका एक तरीका बहुत आसान है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं जो ना गलत बयान हम करते हैं, हम जो ना ठीक लोग नहीं है। अब एक काम करें, दुनिया की किसी जिस एजेंसी से आप चाहे उसको हायर करें और उसको कॉस्ट कंपेरिजन चार्ट उससे बनवाएं। अभी अगर आप फिगर्स देखें एक्सपोर्ट्स के, तो एक मैं टेक्सटाइल की इसलिए बात करता हूँ, इजी है, सबको समझ में आता है। देखिए अभी जो एक्सपोर्ट की जब आप फिगर्स देखेंगे तो टेक्सटाइल में भी 1.4% की ग्रोथ है। आप बोलेंगे आप अभी इतनी बात कर रहे हैं कि ग्रोथ तो आ गई, फिर आप इसको माइन्यूटली देखें तो हमने यान एक्सपोर्ट किया 374% मोर देन द लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चूंकि हमारे पास गैस नहीं है, तो हम रॉ मटेरियल होता है यान, यान को हम अपने अदरवाइज कॉम्पिटिटर्स इसी यान को लेकर हमारे सामने कॉम्पीट करेंगे वर्ल्ड मार्केट में, उनको हम सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि हम क्वालिटी के ऊपर मार खाते हैं। अगर क्वालिटी के ऊपर मार खाते और अगर हम प्राइस में ठीक होते तो फिर हमारा तो एक्सपोर्ट एडिडास को, नाइकी को, दुनिया के बेहतरीन नाम आप ले लें, सबके हम सप्लायर, वो कैसे हमसे लेते? हमसे वो महंगा भी माल लेते हैं, बांग्लादेश में महंगा देते हैं, क्योंकि हमारे बारे में नहीं। कई क्वार्टर्स हमारे वी लूज अगेंस्ट आवर राइवल्स, अगर अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज़ दे कैन सप्लाई द लोअर प्राइस। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और आप देख रहे हैं फेडरल पोस्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जुबैर मोतीवाला साहब, चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप कराची के, कराची स्टॉक एक्सचेंज के साथ उनका ताल्लुक है और टेक्सटाइल और पेपर के बिजनेस से मुंसलिक हैं। मोतीवाला साहब, वेलकम टू फेडरल पोस्ट। तो ये बताइए कि जो इस वक्त पाकिस्तान के जो बुनियादी मसला है वो तो है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हैं और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके नतीजे में हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आउट है और हम पे कर्जा चढ़ रहा है। तो इस वक्त जो हुकूमत आई है और मोहम्मद औरंगजेब साहब हमारे नए वजीर ख़जाना हैं, आपके इल्म में है कुछ की कुछ ये इस सिलसिले के अंदर ये कोई ऐसे कोई सॉलिड इन्होंने स्टेप्स ले रहे हों या इनके पास पॉलिसी हो टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? हमारे पास देखिए इसमें कोई दो बातें नहीं है कि पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू द वर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। पिछले एक साल डेढ़ साल से तो बहुत ज्यादा क्राइसिस है और हम IMF के पास गए हुए हैं, IMF अपनी शरायत रखता है और उस कंडीशन के अंदर we are beggars, not, we are not the choosers. Yes. उसके अंदर जो है ना हम हमको जो है सारी चीजें करनी पड़ती। जितना अभी हो रहा है इट इज ऑल बिकॉज दैट हमारा जाहिर आपने जैसे भी कहा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा खराब है, हमारी हम डेट सर्विसिंग नहीं कर पा रहे, बल्कि हम रोल ओवर्स करते हैं और जो है ना अपने कर्जे अदा नहीं कर सकते और उसके आगे साथ ही चल रहे हैं। दिस इज दी मतलब ब्रॉड पिक्चर ऑफ पाकिस्तान। अब अगर आप देखें इनलैंड देखें, अगर हमारे इंटरनल देखें तो इंटरनल में वी स्टार्ट द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई बाई बोरोइंग मनी। हमारी गवर्नमेंट जो है उसका आज अगर 9 ट्रिलियन इकट्ठा करते हैं तो तकरीबन उतना ही जो है ना ये आपका ये कर्जों के सूद अदा करने में इसको इनको देना पड़ता है और बाकी जो है ना वो हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स की हैं, फिर आपकी पेंशन फंड्स हैं, बहुत सारी चीजें जो है ना अभी बाकी रहती हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसके अंदर हमारे पास चॉइस इसलिए नहीं है कि हम कर्ज लिए बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो अगर हम बैंकरप्सी की तरफ जाना नहीं चाहते तो इसलिए हम इन चीजों के साथ हम चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे साथ है वो IMF का है। देखिए IMF के प्रोग्राम में जितनी कंट्रीज गई हैं हमारी तरह की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनका हाल आप देख लें, उनके इन्फ्लेशन का रेट देख लें, उनके इंटरेस्ट का रेट देख लें, हम बिजनेस यहाँ कैसे चल सकता है? देखिए कोई भी बिजनेस हो जो आपके इनपुट्स हैं वो नंबर्स होते हैं, नंबर से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। क्या आपने भाई गैस इतने की आई, बिजली इतने की आई, ये इतने का आया और आपने एक नंबर लगाया, रॉ मटेरियल तो तकरीबन जो है इंटरनेशनल प्राइस के होते हैं, जब आपकी कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ जाएगी of producing a product, तो you can't be competitive with the world market. अगर आप competitive नहीं है world market के अंदर तो आप export कैसे बढ़ाएंगे? तो फिर आपका balance of payment कैसे ठीक होगा? फिर आप जो है ना आप लोगों को कर्जे कैसे अदा कर सकेंगे? अभी IMF पे recently बयान जो है वो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे उसके ऊपर। उन्होंने कहा अजी पाकिस्तान को 50% इम्पोर्ट बढ़ाना चाहिए और एक्सपोर्ट रोकने के लिए हर काम जी इम्पोर्ट बढ़ाना चाहिए उन्होंने कहा। अब देखें कि अब इसको दूसरी तरफ देखें कि अगर मैंने अगर आप किसी से कर्जा लेने जाए, किसी भी आप नॉर्मल कर्जा लाख रुपए का कर्जा लेने चले जाए बैंक से, तो बैंक आपकी फिजिबिलिटी और वायबिलिटी देखता है, फिर
देखता है कि आप जो ये कारोबार करने जा रहे हैं और मुझसे जो लाख रुपए ले रहे हैं, इसको मुझे अगर 10 किस्तों में आपने वापस करना है तो आप कितने पैसे उसके अंदर कमा रहे हैं। यही चीज IMF देखती है और फिर हमें डिक्टेट करती है। अब इसके अंदर देखना, मेरे मुझे एक बात कभी भी समझ नहीं आई कि सब्सिडी देने का वो मना कर रहे हैं, सर्कुलर डेट को खत्म करने की बात कर रहे हैं। दोनों बातें अच्छी हैं, लेकिन ये बात हो सकती है कि आप हमारी इंडस्ट्री को बिठाकर सब्सिडी को बंद करें। सब्सिडी आप बजट से नहीं दे सकते, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं दे सकती, लेकिन क्रॉस सब्सिडाइजेशन आप कर सकते हैं। जो आज जो गैस की प्राइसेस हैं वो ओरिजिनल 1358 रुपए हैं, हमको जो मिल रहा है वो 2750 प्लस यानी 3300 रुपए का गैस मिल रहा है। तो अगर ये गैस के दाम होंगे और $6.50 अगर बांग्लादेश में होंगे, मेरी प्रोडक्ट तो नहीं बिक सकती ना, ना गवर्नमेंट के पैसे हैं। हमने DLTL था वो भी हमने बंद कर दिया, और वहां 5 से लेकर 11% तक के इंसेंटिव देते हैं, प्लस $6.50 की गैस है और आपकी जो है 34-35 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी है पाकिस्तानी रुपए में। तो अब अगर इसको कन्वर्जन के सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट सरप्लस को क्रिएट करना जरूरी है। एक्सपोर्ट वो सरप्लस कैसे कैसे क्रिएट होगा होगा? मोतीवाला साहब, ये समझाइए कि ये एक्सपोर्ट सरप्लस कैसे होगा। यहाँ पे अगर आप गैस और बिजली की सब्सिडी विड्रॉ कर लेंगे IMF के कहने पे, टारगेटेड सब्सिडी भी नहीं रहेगी इस मुल्क में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ चली जाएगी, और इन हालात में हाउ कैन वी इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स? देखिए बहुत सिंपल बात यह है कि आपकी जो कॉस्टिंग है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, वो हर्ट करती है। जैसे मैंने नंबर्स आपको बताया, इसी तरह से उसकी अवेलेबिलिटी पे करती है उसके। जैसे आप गैस के बगैर टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, टेक्सटाइल का मेन जो रॉ मटेरियल है वो आपका गैस है, और गैस किस गैस से हम पावर भी बनाते हैं और गैस को हम बॉयलर गैस में इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग पर्पजेस के लिए भी करते हैं। अभी दोनों चीजों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मेजर हमारा जो कॉस्ट है वो गैस की, अगर आप उसको देते नहीं है। कराची जो कि 54% जो है ना आपको एक्सपोर्ट करता है, सारे मुल्क की बात कर रहा हूँ लेकिन इसलिए हटके बात कर रहा हूँ कि यहाँ 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे फोर्सिबली गैस को बंद किया जाता है। तो आप अगर उसको कैलकुलेट करें, हम तो 7-8 दिन चलाने वाले लोग हैं, अगर वो उसको कैलकुलेट करें 28%, तो आपने खुद ही कह दिया कि हमको एक्सपोर्ट नहीं चाहिए। इन अ वीक इफ देयर आर 2 डेज क्लोजर, दैट मींस 28% यू आर डिनाइंग। गवर्नमेंट इज सेइंग डोंट प्रोड्यूस 28% और प्रोड्यूस 28% लेस देन व्हाट यू प्रोड्यूसिंग। क्लियर बात, उसको हमको गैस नहीं देते। अब दुनिया में मेरे ख्याल पहला एक ही मुल्क है जिसमें इंडस्ट्री की जो प्रायोरिटी है वो नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में आप कतर चले जाए, आप दुबई चले जाए, अबू धाबी चले जाए, पाइपलाइन गैस कहीं भी नहीं है, सारी सिलेंडर्स की गैस है। अगर ये हम इंडस्ट्री को प्रायोरिटी नंबर 1 करें, हमारी कॉस्टिंग को हम देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए इसका एक तरीका बहुत आसान है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं जो है ना गलत बयानी हम करते हैं, हम जो है ना ठीक लोग नहीं है। अब एक काम करें, दुनिया की किसी जिस एजेंसी से को आप चाहें उसको हायर करें और उसको कॉस्ट कंपेरिजन चार्ट उससे बनवाएं। इंडिया इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका थाईलैंड कंबोडिया एंड वियतनाम, दीज आर आर कॉम्पिटिटर्स, ठीक। इनके यहाँ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, उसको आप ले आए, हमें वही कॉस्ट दे दें, आज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे डबल कर दें। और आपने कहा कैसे होगा, अभी देखें, अभी अगर आप फिगर्स देखें एक्सपोर्ट्स के, तो एक मैं टेक्सटाइल की इसलिए बात करता हूँ, ईजी है, सबको समझ में आता है। देखिए अभी जो एक्सपोर्ट के जब आप फिगर्स देखेंगे तो टेक्सटाइल में भी 1.4% की ग्रोथ है। आप बोलेंगे आप अभी इतनी बात कर रहे हैं कि ग्रोथ तो आ गई, फिर आप इसको माइन्यूटली देखें तो हमने यान एक्सपोर्ट किया 374% मोर देन द लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चूंकि हमारे पास गैस नहीं है तो हम रॉ मटेरियल होता है यान, यान को हम अपने अदरवाइज कॉम्पिटिटर्स इसी यान को लेकर हमारे सामने कॉम्पीट करेंगे वर्ल्ड मार्केट में, उनको हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। जब तक आप वैल्यू एडेड वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी शोभा हो, मैं तो फूड के अंदर कहता हूँ किसी शोबे में आप चले जाए, आप देखें जी। ये हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि हमारी जो जैसे मेजर जो एक्सपोर्ट्स हैं चमड़े की चीजें हैं, तो वो क्वालिटी मैच नहीं हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से हमारे जो आपने रीजनल कंपेटिटर्स गिनवाए हैं उनकी चीजें कम कीमत पे भी तैयार हो रही हैं और बेहतर भी हो रही हैं। 6-7 कोई ऐसी आपके दिमाग में आपके सामने कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं को टारगेटेड जिनकी जिनको कोई सब्सिडी दी जाए उन उन चीजों को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी हर चीज को नहीं।
टेक्सटाइल बिल्कुल गलत है, ये लेदर। बात बिल्कुल, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि हम क्वालिटी के ऊपर मार खाते हैं। अगर क्वालिटी के ऊपर मार खाते और अगर हम प्राइस में ठीक होते तो फिर हमारा तो एक्सपोर्ट एडिडास को, नाइकी को, दुनिया के बेहतरीन नाम आप ले लें, सबके हम सप्लायर, तो वो कैसे हमसे लेते? हमसे वो महंगा भी माल लेते हैं, बांग्लादेश में महंगा देते हैं, क्यों? हमारे को बारे में नहीं है। कई क्वार्टर्स हमारे वी लूज अगेंस्ट आर राइवल्स, अगेंस्ट आर कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज दे कैन सप्लाई द लोअर प्राइस। अब देखिए, इसमें दो टाइप की कमोडिटी, एक फैशन कमोडिटीज है और एक ब्रांड कमोडिटी है। ब्रांड कमोडिटी को बनाने के लिए आपको बड़ा टेक्निकल होना चाहिए और बड़ा एक्सपर्टीज उसमें होनी चाहिए। दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं उसकी कि भाई आप किस में हारे, हम किस में हारते हैं? जो कंटेनर लोड्स होता है जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर बनते हैं, यानी मुल्क के अंदर आते हैं, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे हैं और आप उसको जो है उसको आप देख रहे हैं। वो आने के लिए क्या चाहिए? मिसाल के तौर पर पोलो शर्ट है, वो कंटेनर लोड्स में जाते हैं। आप बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, वो अगर हम बेच, हमारे पास उसके अंदर हम प्राइस में हार जाते हैं, उसमें क्वालिटी का कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अगर आपने आज आपका 17-18 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का है, टोटल 30-31 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, अगर इसको हमको डबल करना हो जब भी हम जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं। एक बात और आप सोचिए ना, बहुत मोटी सी बात है कि 250 मिलियन लोगों का मुल्क है और उसमें 10 लाख लोग, सिर्फ 1 मिलियन लोग जो है ना वो ओवरसीज रहते हैं, ठीक है? वो ओवरसीज रहने वाले लोग जो है ना नौकरी करके और अपना वो करके पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर भेजते हैं, और हम 250 मिलियन लोग मिलकर 30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं और फिर जो है ना टाई भी पहनते हैं और यूं भी कहते हैं ऐसा भी हो गया वैसा भी हो गया। कोई तुर्रम खानी नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सपोर्ट को बढ़ाने में। IMF अगर ये कहता है कि सब्सिडी नहीं दें तो मैं आपके तवसुत से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से मैं ये कहता हूँ कि हमको सब्सिडी नहीं चाहिए। इंडस्ट्री डजंट वांट एनी सब्सिडी, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्री डजंट वांट टू पे द सब्सिडी। अगर मिसाल के तौर पर अभी जो लास्ट डिटरमिन प्राइस थी ओग्रा की, विच इज द ऑफिशियल बॉडी फॉर डिटरमिनेशन ऑफ गैस प्राइजेस, उसने जो किया वो उसने डिटरमिन किया 1358 रुपीज एज ए 100% कॉस्ट। इस कॉस्ट के अंदर आ गया, अनअकाउंटेड फॉर गैस आ गई, वैलेट प्राइस के ऊपर जो पैसे दिए वो आ गए, और हर चीज बलूचिस्तान की जो पेमेंट थी वो जो अब आती नहीं है वो भी आ गई, सब उसके अंदर डाल के 1358 रुपए बनते हैं। आज मैं तो बॉयलर गैस के ऊपर चौ 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 2520 रुपए देता हूँ और उसमें ब्लेंड भी डाल दिया गया, और 3200-3300 रुपए मैं ना कैप्टिव पावर प्लांट के दे रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे, दैट मीन्स वॉट, IMF वॉन्ट्स टू क्रिपल योर इंडस्ट्रीज, IMF वॉन्ट्स टू लोअर डाउन योर प्रोडक्शन, लोअर डाउन एक्सपोर्ट्स, ताकि आप उनके पीछे लगे रहें, उनके आगे जो जो काम होता है वो करें। अरबाब इख्तियार को, औरंगजेब साहब को समझने की जरूरत है कि वॉट इज इम्पोर्टेंट, टू ब्रिंग मोर डॉलर्स और पुट दोस काइंड ऑफ सैंक्शंस जहां आपकी आईएमएफ कॉस्ट नाकारा हो जाए वर्ल्ड मार्केट के अंदर। ने एक एक के जो एतराज उठाया है, और वो खाली आईएमएफ की तरफ से नहीं है, बहुत से हलकों की तरफ से, कि हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो टैक्स पे नहीं करते। जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगी प्रॉपर, तो जाहिर है फिर हमें वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए इधर उधर से पैसे भी मांगने पड़ेंगे। अभी ये जो SRO 420 FBR ने इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन पहली बात यह है कि टैक्स पे नहीं होता, बिल्कुल हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम, उसमें कोई दो बातें नहीं, रीजनल कॉम्पिटिटर्स, रीजनल कंट्रीज के हिसाब से भी कम, लेकिन कुछ अंदर जाए ना, ये सतही बात है। इट इज नॉट समथिंग विच इज इनसाइड। व्हाट इज इनसाइड? देखिए, आप पूरी जीडीपी को गिनते हैं, उसके ऊपर आप टैक्स का रेशियो लगाते हैं। एग्रीकल्चर 1% टू द जीडीपी देता है, ठीक है? जी और ऑलरेडी इंडस्ट्री जो है ना 41% देती है, सर्विसेज 20% देती है। तो आप ये इन चीजों को जब लगाएंगे, और अगर आप एग्रीकल्चर को निकाले, नॉन टैक्स पेइंग जो ट्रेडिंग कम्युनिटी उसको निकाले, ये सब आप निकालेंगे तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो 14-15% है। आप अगर जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को अगर आप दबाएंगे तो टैक्स तो नहीं आना। और मेरा ख्याल मियाँ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, प्राइम मिनिस्टर ने, यू शुड गो आफ्टर दोज हु आर नॉट पेइंग द टैक्सेस। बिल्कुल जी सही आपकी बात, सैलरीड क्लास जो है, नेट को बढ़ाने के सैलरीड लिए। क्लास आप सब लोगों से ज्यादा टैक्स दे रही है। सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन तो सैलरी क्लास से हो रही है आपके यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है, दे आर नंबर टू इन द नंबर, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट का एक, कई दफा लोग भूल जाते हैं, जो एक्सपोर्टर है ना वो नेट टैक्स देता है 0.75 to 1.25 एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये हमारे ऊपर टैक्स है जो हम दे रहे हैं, उसके बगैर मैं एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता, मेरा डॉक्यूमेंट फ्रेंचाइज ही नहीं होगा, मेरा डॉक्यूमेंट नेगोशिएट ही नहीं होगा।
क्योंकि वो मैंने पैसे भरने, और जब आप 1.25 को लगाते हैं इट इज अबाउट 22 to 27% ऑफ योर इनकम टैक्स बनता है वो, क्योंकि हम टर्नओवर पे दे रहे हैं, पूरे के पूरा जितना माल है उसकी कमाई पे नहीं बल्कि माल पे दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि जो ना वो टैक्स के अंदर, आप अगर 30 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट है आप निकालने कितने पैसे बनते, 1% से आप लगाए कितने हुए, तो अगर आप उसके रुपए करें तो बिलियन ऑफ रुपीज एक्सपोर्टर टैक्स देता है, दुनिया में एक्सपोर्टर पे टैक्स नहीं होता, यहाँ है तो हम उसको हम भी फिर भी देते हैं, और जो बाकी लोकल्स हैं सुपर टैक्स लगा दिए। सुपर टैक्स किस पे लगता है? बहुत ज्यादा जो कमाता है उसी पे लगता है। अब हाँ बैंक जी, जो है उनके अंदर आप ये देखें सुपर बैंक के अंदर टैक्स कितनी, वेल्थ टैक्स जो था उसी की एक मॉडिफाइड शक्ल है ना सुपर टैक्स जो है, क्योंकि नहीं वेल्थ टैक्स उसमें को वेल्थ टैक्स, विड्रॉ कर लिया था सारदास साहब ने। नहीं वेल्थ टैक्स अलग चीज है, सुपर टैक्स वो है कि आप वो कहते हैं ना कि आपने अगर बहुत अच्छा पढ़ा तो आपको बेंच पे खड़ा कर दिया जाएगा, अगर जी मैंने मेहनत की मैंने कमाया और आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो मैं दे रहा हूँ, इसके बाद आपने बोला नहीं नहीं तुमने इतना क्यों कमाया थोड़ा और दो, ये जो चीज है ना। देखिए आप दुनिया में जो मईशतें तरक्की करती हैं वहां ओपन ओपन निजाम होता है टैक्स का, अगर आप यूएस के अंदर टैक्स पेमेंट करने जाएं तो पहले एक कमरा बना होता है जहां एडवाइजर बैठा होता है, बोलते हैं आप इतना टैक्स क्यों दे रहे हो, आप फर्स्ट क्लास में क्यों ट्रेवल नहीं करते, आप नई गाड़ी ले लो आप इतना टैक्स बचा सकते हो, हमारे यहाँ तो मतलब एक लेबल होता है कि ये तो टैक्स नहीं देने वाले, ये टैक्स ना देना है, ऐसा नहीं है जो ना, देखिए हम हमको भी पता है। अब आप ये अगर ये 9 ट्रिलियन रुपए आते हैं आप इसका खर्च क्या करते हैं ये तो बताना पड़ेगा, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। मैं तो कोशिश ये करता हूँ, देखिए ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात आई, तो जब मैं टीडीएफ का सीईओ बना तो मैंने पहले 4-5 महीने टेक्सटाइल पे बड़ी मेहनत की कि टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि मेरी लाइन है तो मैं आई वॉन्टेड टू डू दैट, लेकिन मैंने देखा ये तो हो नहीं सकता, इसलिए कि रॉ मटेरियल ही नहीं है, बेसिक रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और उसकी क्वांटम प्रेशर प्राइस सारा फर्क है। तो मैंने डाइवर्ट किया अपने आप को फूड के अंदर, फूड एंड फूड एलाइड आइटम्स, हमने सारे दुनिया के अंदर पार्टिसिपेट भी किया, यहाँ भी हमने फूड एग्रो की एक पूरा एक एग्जीबिशन किया, और मैं आपको बताऊँ ने क्या किया, सालों से जो है 3.84 बिलियन डॉलर 4.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता था, इस साल इंशाल्लाह ताला हम बंद करेंगे 7.8 बिलियन पे, इट इज ऑलमोस्ट 80% मोर देन द लास्ट ईयर। अब सेसमे सीड कभी कोई सुनता भी नहीं, वो तिल जैसे कहते हैं, उसकी एक्सपोर्ट 30-40 मिलियन डॉलर होती थी, चाइना को नाइजीरिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर नंबर वन सप्लायर, टुडे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट सप्लायर, हमने इसके ऊपर मेहनत की, $480 फ्रॉम $30 इस साल हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे, तो जहाँ वहाँ गैस नहीं चाहिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए वो नहीं, हमने उसको बढ़ा लिया, और फूड एलाइड आइटम्स के अंदर सेमी कुक फूड्स कुक फूड्स और हर कोई चीज हमने नहीं छोड़ी, चाहे कन्फेक्शनरी है उसको हमने एक्सपोर्ट किया, उसके ऊपर मेहनत की, आज अल्लाह ने फल दिया उसका, और मैं ये समझता हूँ इसके अंदर पोटेंशियल है कि $20 बिलियन हो जाएगा। हमने ये सुना कि इस दफा जो कीनू है वो कलेक्ट नहीं हो सका और एक्सपोर्ट नहीं हो सका। इसी तरह मैंगो के बारे में भी सुना था, ऑलिव्स के बारे में हमने सुना देखिए कि किन्नू तो का इतनी पहले काश्तकारी किन्नू हुई यहाँ पे कलर कहार में, उसकी कलेक्शन नहीं होती, यानी उसको उतारा नहीं जाता फल को और एक्सपोर्ट नहीं है, वो जाया हो रहा है। तो ये क्या सिलसिला चल रहा है आप, ये हमारी ये नहीं, देखिए एक तो सीआईएस कंट्रीज के अंदर बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, जो ट्रांजिट ट्रेड वाला मामला है, हमारे बड़े बायर कार्स वाले किन्नू वहां जाता है, रशिया जाता है और कई जगह मुल्कों पे जाता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप एक किन्नू का एक साइकिल है 15 साल का 20 साल का, देन यू हैव टू रिन्यू एंड पुट मोर प्लांट्स, अभी जो किन्नू आया उसके अंदर ऊपर थोड़ा सा ग्रीन जैसा है, उस वजह से भी थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस बहुत बढ़ गए, बाय एयर फ्रेट बहुत बढ़ गया, इस वजह से भी हुआ, और किन्नू जो है ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट नहीं हुआ, पिछले साल के मुकाबले में डॉलर टर्म्स में थोड़ा ज्यादा ही हुआ है, कम नहीं हुआ, अच्छा, तो लेकिन ये हमारा पूरा सिलसिला क्रॉप मैंगो के साथ भी आगे चलता नहीं। रहा था। ये चेरीज चेरीज जो है पाकिस्तान में कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था, बाहर से हम लेके आते, जी हाँ आज जी, चेरियों का हम सपोर्ट किया, गिलगित में बेहिसाब होगी, इसके बाद हमने चाइना से उसको अप्रूव करवाया, आज चाइना को हम चेरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब मीट की जब बात करते हैं हम बॉइल्ड मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, मतलब इतनी नई 10 नई वेराइटियाज हमने ऐसी बनाई हैं जो कि जो हमारे पास जीरो ड्यूटी एक्सेस है चाइना में, उन वेराइटीज पे उन आइटम पे काम कर रहे हैं एट टीडैप, कि जो है ना हम उसके अंदर जो आइटम है हमको जीरो रेट ऑफ ड्यूटी मिली है उसको हम यहाँ डेवलप करके उसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गैस जो है ना उसके ऊपर तवज्जो दे, जो बेसिक हमारा जो कोर बिजनेस है, दूसरा एक पहलू भी है ना, एक्सपोर्ट ही सिर्फ नहीं है, आप लेबर को बंदों को कहाँ ले जाएंगे, आप उनको जॉब्स कहाँ से देंगे, उसके लिए वो शोभा चलना चाहिए जो लेबर ओरिएंटेड है, जो लेबर कंज्यूम करता है बहुत बड़ी तादाद में,
ये जो नहीं, तो जहाँ एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो तो वैसे ही बेचारे जो विलेज में रहते हैं वो वहीं रहते हैं, उसके वही अंदर तो आपको इनको काम देना है, इनको आपने जो है ना उनको आपने उसको वो करना है, वो हम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमको करना चाहिए। लेकिन जो है ना बात ये है कि मुझे पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं लगती। अब मिनरल्स देखें, इतने ज्यादा है कि कोई हिसाब नहीं। फिर अगर इतना कुछ हमारे आप इतने इस बारे में इतने पॉजिटिव हैं, गैप कहाँ पे है? यानी ट्रेडर में, एक्सपोर्टर में और गवर्नमेंट के अंदर क्या गैप है अंडरस्टैंडिंग का, जिसकी वजह से ये नहीं काम ठीक चल रहा? देखिए, एक तो हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है उसका थोड़ा सा वो कम है हमारे, हम इसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ इसलिए कि अब जैसे सेसमे सीड है पंजाब में 91% होता है, पंजाब में एक भी एक्सपोर्टर नहीं। हमने उनके वर्कशॉप्स की कि जी आप इसको आप खुद एक्सपोर्ट करें, दिस इज द वे यू कैन अर्न मोर एंड जो होगा। अब ये खरीफ की फसल है, दो फसलों के दरमियान ये होती है सेसमे सीड, उसको हमने प्रमोट किया और आज यहाँ पहुंच गए, तो देर आर, और ये 1 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। अब देखिए फिशरीज, ये बॉटलनेक्स हैं आपकी जो मिनिस्ट्री है जो आपकी वो, अब नेवी जो है वो हमें रोजाना ऑफर करती है कि आप कोस्टल बेल्ट है हमसे जो मदद चाहिए ले लें। अब हमको ये इन सारी चीजों के लिए यूरोपियन यूनियन के पास हमको जाना है कि जो हमारा बैंड कई मुल्कों में लगा है उसको हम हटाए। हम जापान को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन बहुत नहीं हो रहा। फिर केज फिशिंग के अंदर हम अभी तक नहीं गए, श्रिम्प एंड फार्मिंग के अंदर जो है ना हमको जाना चाहिए। अब हमें परमिशन मिल रही है कि हम श्रिम्प फार्म फार्म के जो श्रिम्प है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे ऊपर भी कई ऐसे लवाजमात हैं। अब देख रहे फुट एंड माउथ डिजीज जो एनिमल्स में है उसकी वजह से हमारे पास अलाउ नहीं करते, तो हमने इसका रास्ता ढूंढा कि भाई बॉयल मीट हमने चाइना से कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है बॉयल मीट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई, $20 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है 2 महीनों 3 महीनों में, और इंशाल्लाह ताला $60 मिलियन हो जाएगा इस साल के अंदर, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है। फौजी थर्ड दूसरी तीसरी कंपनी भी अब रजिस्टर्ड हो जाएगी, उनकी अपनी हाइजेनिक टेस्ट हैं, वो आते हैं वो सारा कुछ इंस्पेक्शन करते हैं फिर उसके अलाउ करते हैं, उसमें भी हो जाएगा। तो हम जो है ना ऑन ऑल फ्रंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो आपका जो जहाँ बॉटलनेक की नजर आती है इम्बेलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट की, वो ये है कि हमको कोर बिजनेस के ऊपर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, हमको अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना पड़ेगा। प्रायोरिटी हमको रखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री चलनी चाहिए, किसी किसी तरह भी चलनी चाहिए, खाली जो है ना गैस के चूल्हे जला के लोगों का पेट नहीं भरेगा, मैं लोगों मोती का पेट वाला जब साहब आपके भरेगा जो सामने एक मजदूर सिनेरियो करेगा रखता हूँ इसके खाना सिलसिले में, वो ये कि इंडस्ट्री चलेगी एनर्जी के साथ और ह्यूमन रिसोर्स के साथ, ये दोनों का इशू है। अब जब हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई आईएमएफ पे, तो आईएमएफ के साथ हम जो अपनी पॉलिसी अगर हम शिफ्ट करना चाहें या बैलेंस करना चाहें बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, क्योंकि एक सीपैक का है वो सारा प्रोग्राम चल रहा है जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, तो उसमें अमेरिका हमारा मेजर इंपोर्टर है हमारी टेक्सटाइल का, यू नो इट बेटर देन एनीवन एल्स। तो जब हम अमेरिका और यूरोप में, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहता हूँ ये बात, कि जब हम उनसे ये डिमांड करते हैं यूरोपियन यूनियन से और अमेरिकन से कि हमें आप कोटा दें कि हम हमसे इतना सामान आप खरीदेंगे, तो हम एक तरह से उनसे भी सब्सिडी नहीं मांग रहे होते? फिर जब वो हमें सब्सिडी देंगे या ऐसे अलाउंसेस कोटा रिजीम, देंगे तो फिर नहीं अपनी नहीं बातें भी कोटा रिजीम मनवाते हैं। तो, कोटा रिजीम तो जमाना हो गया, खत्म हो गई। देर इज नो कोटा ऑन एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स, देर इज नो कोटा। वो तो 10 साल 15 साल पहले की बात है, अब देर इज नो कोटा। यू कैन एक्सपोर्ट एज मच एज यू वांट, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, यू शुड यू नो योर मार्केटिंग, यू नो योर प्रोडक्ट वेल एंड यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स, देर इज नो लिमिट्स, देर आर नो कोटास नाउ। लेकिन हमारा वो ये कोटे तो की कह बात, सकते हैं ना, हम आपकी चीजें नहीं हमारा खरीदेंगे। कोटा तो गैस से है कि डोंट प्रोड्यूस मोर। हाँ ये कोटा नहीं वहां लगा हुआ है, इतनी गैस फिर आपको देंगे ज्यादा नहीं देंगे, आप इतना एक्सपोर्ट करें इससे ज्यादा नहीं कर सकते, राइट तो ऐसा नहीं है। और आईएमएफ को तो मेरा सिर्फ आपके तो से अगर सुन रहे हैं, आई जस्ट वांट टू टेल देम दैट यू वांट अस टू पे यू बैक द अमाउंट व्हिच वी हैव व्हिच एक्चुअली ओ यू, गिव अस लिबर्टी, गिव अस स्पेस वेयर वी कैन अर्न मोर डॉलर्स, वेयर वी कैन एक्सपोर्ट मोर, फिनिश दिस क्रॉस सब्सिडी फिनोमेना एंड लेट द गवर्नमेंट पे दिस सब्सिडी टू द फर्टिलाइजर एंड टू द डोमेस्टिक थ्रू देयर ओन कॉफर्स थ्रू बजट एंड नॉट बाय गेटिंग इट फ्रॉम द इंडस्ट्री। वी आर क्रिपलिंग द इंडस्ट्री एंड इफ इंडस्ट्री क्रिपल्स एंड गॉड फॉरबिड इट गोज डाउन, इट क्लोजेस डाउन, यू नो द रिजल्ट इज वॉट,
anarchy, unemployment, whatnot. And then if we can run these industries at the same time, what is the result? We have more dollars to pay you back, and we would be safe hands, and we can come out of the IMF program, I mean, as a winners. That can only happen if the IMF understands that cross-subsidy is a killer for the industries of Pakistan. Thank you very much, Motiwala sahab. I think you have summed it up very nicely for us. Awatin Hazrat, aap sun rahe the Zubair Motiwala sahab ke views on how to increase or enhance our exports. Mujhe dijiye ijazat. Dobara milenge. Khuda hafiz aur Pakistan. Zindabad.